Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, FCAT 1 2021 ka notification aa chuka hai. Form bhare ja rahe hain. Form bharne ki jo date hai wo hai 1 December se leke 30 December ke beech mein. Abhi aapne October mein exam diya tha aur फरवरी वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है. फरवरी में जो एग्जाम है उसकी डेट है आपकी 20 और 21 फरवरी. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एफकैट का फॉर्म कैसे भरें और कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके और गर्ल्स एंड फीमेल्स की वैकेंसीज़ को लेके और जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से पहले वो टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है और फॉर्म भरते वक्त भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम चलेंगे एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है www.fcat.cdec.in और वेबसाइट पे ऊपर जो कैंडिडेट लॉगिन आपको दिख रहा है ऑप्शन इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे एफकैट 121 की साइकिल और एफकैट 220 की साइकिल जिसका आप एग्जाम अक्टूबर में दे चुके हैं. 220 की जो साइकिल थी एफकैट की तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये रजिस्टर करने का ऑप्शन है. तो एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे जब उसके बाद आप जब भी फ्यूचर में आएंगे तो डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के और ये सिक्योरिटी कोड डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे. लेकिन आपको पहले सबसे पहले इनिशियली रजिस्टर करना ही है. अच्छा, जब एफकैट का फॉर्म भरा जाता है तो आपने जो पिछला फॉर्म अगर भरा था जो आपने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया है तो उससे कोई रिलेशन नहीं है. तो इसमें इंडियन आर्मी की वेबसाइट जैसा नहीं है कि आप एक अकाउंट बनाते हैं आर्मी की वेबसाइट पर और हर बार अपने उसी अकाउंट में लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं. ऐसा एफकैट की वेबसाइट पर नहीं है. एफकैट के हर एग्ज़ाम हर साइकिल पर आप नए तरह से रजिस्टर करते हैं, नया आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड बन जाता है. तो एक साइकिल के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है. तो अगर आपने एफकैट का फॉर्म भरना शुरू नहीं किया तो पहले आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और एक बार रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आप अगर आधा फॉर्म भर लेते हैं और फिर लॉग आउट कर देते हैं फिर दोबारा आप लॉगिन करते हैं तो जहां आपने फॉर्म भरना छोड़ा था वहीं से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स इन्होंने मांगी है आपसे बहुत ही कम और बहुत ही बेसिक है. आपका नेम, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी इंडियन, ऑटोफिल है यहाँ पे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे आप, आपका मदर्स मेडन नेम, आपका फेवरेट पेट, आप कहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं. अगर फ्यूचर में मान लीजिए अपना पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं. सिक्योरिटी कोड डालेंगे और आप साइनअप पर क्लिक करेंगे. साइनअप पर क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा आपको कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं. अपने ईमेल पर चेक करिए, आपको आपका पासवर्ड भेज दिया गया है. तो जो पासवर्ड आपके ईमेल पर आया है वो आप लेके आएंगे. जो आपने ईमेल एड्रेस अभी डाला था पिछले स्क्रीन पर वो यहाँ डालेंगे. ईमेल पर जो आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आया है उसको यहाँ डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे. आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये कहेगा अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए क्योंकि आपको जो ईमेल पे पासवर्ड आया था इट वाज अ बंच ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स. तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा एक पासवर्ड सेट करिए जिसको आप याद कर सकें और पासवर्ड में क्राइटेरिया है कि एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो. तो ये आप अकॉर्डिंगली एक पासवर्ड सेट कर लेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे. ये होने के बाद आप फिर से लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे. अब आप लॉगिन करेंगे तो अपना ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन करिए. लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन होगी वो ये होगी. इस बार मेट्रोलॉजी एंट्री की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एफकैट एंट्री है और एनसीसी एंट्री है. तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं. दोनों में डिफरेंस यही है कि आप एनसीसी एंट्री में कोई फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो पेमेंट वाला ऑप्शन मिसिंग है एनसीसी एंट्री से. और एफकैट एंट्री में ऑब्वियसली आप 250 रुपये एक फ़ीस पे करेंगे बिकॉज आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है. तो जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाता है बाय द इंडियन एयरफोर्स तो उनका जो ये खर्चा होता है पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ऑनलाइन एग्ज़ाम का उसके लिए आपसे ये 250 रुपये की फ़ीस लेते हैं. एनसीसी एंट्री आपकी डायरेक्ट एंट्री है, देर इज़ नो ऑनलाइन एग्ज़ाम, नो एग्ज़ाम सेंटर, सो नो फी. तो आप अगर एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने एयर विंग से एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले रखा है, ए या बी ग्रेड ले रखा है, तो आप एनसीसी एंट्री वाले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, इंस्ट्रक्शन वाले पे क्लिक करेंगे. अदरवाइज़ आप एफकैट का फॉर्म भरेंगे, आप क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस पे. जब आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप थोरली पढ़ सकते हैं. आपके एग्ज़ाम को लेके, आपका जो फॉर्म फिलिंग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताई गई हैं. इट्स रियली गुड टू नो ऑल दीज पॉइंट्स. और इसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे.
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज होगा वो ये होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ चार टैब्स बने हुए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, कोर्स प्रेफरेंस और कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो ऑटोमेटिकली पहला वाला जो टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये खुला हुआ है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोफिल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन्फॉर्मेशन डाली थी, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड रहेगी। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक सेकेंडरी ईमेल मांग रखा है, कंपलसरी नहीं है, जो रेड एस्टरिक बना हुआ है यहाँ पे वही बिल्कुल कंपलसरी पॉइंट्स हैं, बाकी पॉइंट्स ऑप्शनल हैं। अगर आप ईमेल एड्रेस सेकेंडरी डालें ओके, नहीं डालें तब भी ओके। ये जो पॉइंट है कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये आपको डालना है, आपके शरीर पे कोई कट का निशान है, कोई तिल है तो उसके बारे में यहाँ मेंशन करेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, जैसे आपकी दाई आँख के ऊपर कट का निशान है या आपके दाढ़ी के नीचे तिल है, मोल है, तो अकॉर्डिंगली आप सही इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ऐसा निशान भरिए कि वो परमानेंट निशान हो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने CPSS या फिर PABT स्टेटस, मतलब आपका जो एयरफोर्स का SSB ये होता है, AFSB, इसमें फ्लाइंग ब्रांच में ये PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा है कि आप इसको लाइफ टाइम में एक ही बार इसमें अपियर हो सकते हैं, अगर आप पास हुए ग्रेट, अगर आप फेल हुए तो आप ज़िंदगी में दोबारा इस टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते। तो मान लीजिए आप पिछली बार गए थे SSB देने और आप पास हो गए थे PABT में, लेकिन आप बाद में मेरिट आउट हो गए, आपने ज्वाइनिंग नहीं की, तो आप यहाँ पे पास डालिए और आपको इस बार PABT में अपियर नहीं होना पड़ेगा, आपका पिछली बार जो PABT पास थे वही कंसिडर किया जाएगा और इस बार आप मेरिट लिस्ट में आ भी सकते हैं। और अगर आप फेल हुए थे तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए ही एलिजिबल बचेंगे। और अगर आप PABT में कभी अपियर नहीं हुए तो आप नॉट अपियर्ड भर के आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाई DGCA, तो अगर आपके पास पायलट का लाइसेंस है तो उससे आपको 2 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, फ्लाइंग ब्रांच में जो एज है 20 से 24 साल, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो 26 साल तक एज हो जाती है। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस है आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, यस नो अकॉर्डिंगली भरेंगे, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एज एन एयरमैन। सिलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल, आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इस बार जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स हैं उसमें फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है तो आप टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप के पास 12th क्लास में मैथ्स फिजिक्स नहीं था तो उस केस में आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस बार फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कम वैकेंसी है। तो आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड, अनमैरिड होना ज़रूरी है, सिर्फ जो कमर्शियल पायलट जो हैं वही लोग मैरिड हो सकते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे एक बार दो बार, आपको दो बार डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि नेक्स्ट का और होम का भी ऑप्शन दे रखा है, अभी नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ होम जो है बैक बन जाएगा क्योंकि पहला ही पेज है ये। तो अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आप इसको सबसे पहले सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप दोबारा से बैक आना चाहते हैं तो आप ये बैक एंड नेक्स्ट करके आप आगे पीछे फॉर्म में जितनी मर्जी बार स्क्रॉल कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार चेंजेस कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। काफ़ी जो वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की, FCAT की जो वेबसाइट है, काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आपका जो इन्फॉर्मेशन आप एक बार भरते हैं वो हमेशा हमेशा सेव रहता है, आप लॉग आउट कर दीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए। तो इट्स अ प्रीटी गुड वेबसाइट, प्रीटी एफिशिएंट वेबसाइट, फॉर्म भरने बहुत ही आसान है इसमें, कई बार हम फॉर्म भरते हैं और बड़ी तकलीफ होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं अब क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का जो सेकंड टैब है इस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन आपको अपनी भरनी है, एजुकेशन का लेवल भरना है। तो जो एजुकेशन का लेवल है यहाँ पे 3 लेवल है एक्चुअली, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन, 10+2 इंजीनियरिंग और 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 इंजीनियरिंग, 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ऐसे 3 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आपने क्या कर रखा है। और उसके बाद आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे ये ग्रेजुएशन का
लेवल मांग रखा है कि एक्चुअली इन्होंने चार लेवल बना रखे हैं एफकैट के फॉर्म में, ए बी सी डी चार लेवल बना रखे हैं ग्रेजुएशन के। तो ये व्यू डिटेल्स जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चारों लेवल दिखेंगे एग्जैक्टली हैं क्या वो चार लेवल। तो आई विल गो बैक, मैंने सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं यहाँ पे। तो जो पहला लेवल है वो है कि आपने इंजीनियरिंग किया है और मैकेनिकल स्ट्रीम की ब्रांच है आपकी। तो मैकेनिकल स्ट्रीम की जो ब्रांचेस, एक्चुअली जो एफकैट का टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी है उसमें सभी जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही मांगते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो ये जो फील्ड्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आप ये लिस्ट को पढ़िए। अगर आपने इन जो ब्रांचेस हैं इनमें से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तभी आप ग्रेजुएशन ऑप्शन ए सिलेक्ट करिए। ए जो है वो मैकेनिकल साइड के लिए है, बी जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल साइड के लिए है। अगर आप इसको देखें इलेक्ट्रिकल साइड वाले को, इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं। देर इज़ अ लार्ज लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जिससे आपने अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं बी कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे एक खास बात कि कई स्टूडेंट्स हैं जो टेंथ के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और 3 साल का डिप्लोमा करके उसके बाद वो लोग जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उनका एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है ना कि फर्स्ट ईयर में। तो 3 साल का डिप्लोमा और यहाँ पे 3 साल वो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आपने ऐसा कर रखा है डिप्लोमा के बाद आपने इंजीनियरिंग किया है, उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं हैं एफकैट की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि होता क्या है कि टेक्निकल ब्रांच में इन्होंने कंडीशन रखी है कि आपने 12th पक्का पढ़ाओ और 12th में आपने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा हो, उसमें 50% मार्क्स आप लेके आए हों। तो अगर आपने 12th नहीं पढ़ा, आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया 3 साल का, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, एंड इनफैक्ट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच एज वेल, बिकॉज फ्लाइंग ब्रांच में भी ये क्राइटेरिया है कि आपने 12th पढ़ा हो, 12th में मैथ्स फिजिक्स भी हो और मैथ्स और फिजिक्स में इंडिविजुअली 50% नंबर आपके हों एक एक सब्जेक्ट में। तो आप ने होपफुली इंजीनियरिंग किया हो 12th के बाद ना कि डिप्लोमा के बाद। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल सी है, सी की तरफ और डी की तरफ। तो सी में आपने बीकॉम किया हो या बीबीए किया हो तो ये जो इनका अकाउंट्स वाला ब्रांच है उसके लिए बेसिकली ये वाला ऑप्शन है। और तो ये था सी ऑप्शन। इसमें आप देखिए आप जो स्ट्रीम्स अगर आपकी मैच कर रही है तो आप वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल सी चुनेंगे। और अगर हम ग्रेजुएशन लेवल डी की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल डी जो है ये है आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में कैसा है कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन आपके 60% नंबर हैं, तो अब आपने चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, इंजीनियरिंग किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है 3 साल का या फिर 4 साल का, आपने बस ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये जो ग्रेजुएशन लेवल डी है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे। अब इस बार अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर कोई गर्ल्स हैं जिन्होंने बीए बीकॉम कर रखा है और वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने बीकॉम भी कर रखा है, अगर उनका ग्रेजुएशन लेवल मान लीजिए सी भी है, किसी गर्ल ने अगर बीकॉम कर रखा है एंड शी इज़ विलिंग टू ज्वाइन लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो इस बार एलिजिबल नहीं है। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में देर इज़ नो वैकेंसी फॉर गर्ल्स दिस टाइम, बट हर बार रहती है। ये होता क्या है कि इनकी जो वैकेंसीज हैं वो डिफर करती हैं, कई बार किसी स्ट्रीम के लिए नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम भी एलिजिबल नहीं होंगी। तो आप लोग जब अगला फॉर्म आएगा जून जुलाई के महीने में, आपका अगस्त में एग्जाम होगा, उस वक्त आप डेफिनेटली चेक करिएगा। आई एम प्रीटी श्योर उस वक्त गर्ल्स के लिए डेफिनेटली ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वैकेंसी होगी। तो आपने ये चारों अपने ग्रेजुएशन लेवल चेक कर लिए, तो अकॉर्डिंगली इस ड्रॉप डाउन से आप अपना ग्रेजुएशन का लेवल सिलेक्ट करिए। फिर आप टाइप करेंगे एजुकेशनल एंटर क्वालिफिकेशन, तो आप अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे, स्ट्रीम टाइप करेंगे, कितने साल का कोर्स है आपका, 3 साल का, 4 साल का, वो टाइप करेंगे, आपके कॉलेज का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, वो टाइप करेंगे, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है उसका जो आपका ग्रेजुएशन कब ख़त्म होगा, तो वो आप डेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पास्ट में कर चुका है, आपने 2018, 2019 या 2020 में अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुका है तो आप अकॉर्डिंगली डेट भरेंगे, और अगर अदरवाइज अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है ख़त्म होने वाली है, ये 2021 में ख़त्म होने वाली है, आप फाइनल ईयर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डेट भरेंगे जिसमें आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली है। आपको परसेंटेज भरने, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स हैं वो यहाँ पर भरेंगे आप।
अगर आपका 60% होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में, कोई भी स्ट्रीम है आपकी, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आप, आपके 60% तो मैंडेटरी है ग्रेजुएशन में, अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। डू यू हैव एनी करंट बैकलॉग्स, इसको अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पॉपअप आएगा कि भैया आप एलिजिबल नहीं है, तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फिर उसके नीचे है हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल्स, तो आपने ट्वेल्थ में कितना परसेंट मार्क्स लाया, आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, तो जैसे मैंने यहाँ 48 मार्क्स भरे हैं ट्वेल्थ क्लास में, 48% ट्वेल्थ क्लास में एंटायर एग्रीगेट है ये, और 00 भर दिया है मैथ्स फिजिक्स, मतलब मैथ्स फिजिक्स नहीं था मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि मैं ग्राउंड ड्यूटी फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच के लिए चाहिए कि भैया ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स फिजिक्स हो और 50% मार्क्स हो, और टेक्निकल के लिए तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, बिकॉज वो तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने ऊपर आर्ट्स भर रखा है, ग्रेजुएशन लेवल डी ले रखा है, तो अब ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो आप इन्फॉर्मेशन अपनी अकॉर्डिंगली भरेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको मैसेज आएगा, कोर्स विल बी चेंज्ड, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, ओके पे क्लिक करिए, फिर आपको आएगा एक और पॉपअप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके पे क्लिक करिए और आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, कोर्स प्रेफरेंस। अब यहाँ पे नॉन टेक्निकल का है तो फ्लाइंग ब्रांच यहाँ दिखे नहीं दिख रहा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नहीं दिख रहा, तो नॉन टेक्निकल में इस बार लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो ही दिख रहे हैं, अकाउंट्स मुझे नहीं दिख रहा बिकॉज अकाउंट्स के लिए बीकॉम वगैरह चाहिए, और जो एजुकेशन ब्रांच है इस बार एजुकेशन ब्रांच की तो वैकेंसी ही नहीं है, तो बेसिकली आई हैव टू ऑप्शंस हियर, लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप चॉइस भरेंगे कि आपकी चॉइस क्या है, तो एक है परमानेंट कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन में, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन में मेल्स के लिए, और लॉजिस्टिक्स में सेम है, परमानेंट कमीशन पीसी फॉर मेल्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेल्स इन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो आप उस पर पहले क्लिक करिए और वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करिए, तो ऐसे करके आप चारों ऑप्शन चुनेंगे। तो देखो मैंने कैसे चूज़ किया यहाँ पे, कि मैंने पहली प्रायोरिटी दी है परमानेंट कमीशन को, कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अगर मुझे परमानेंट कमीशन मिले ग्रेट, नहीं मिल रहा तो मुझे लॉजिस्टिक में परमानेंट मिल जाए, और वो भी नहीं मिल रहा फिर आई हैव मूव टू शॉर्ट सर्विस कमीशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में शॉर्ट सर्विस और लॉजिस्टिक में शॉर्ट सर्विस। तो आप अपनी जो चॉइस है एक एक करके यहाँ क्लिक करेंगे, उस पर सिलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव होकर यहाँ हो जाएगी, और इस तरह से आपकी जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस यहाँ पर भर जाएगी। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये EKT का ऑप्शन है या ग्रेड आउट है, आई कांट सिलेक्ट EKT का, मेरा इलेक्ट्रिकल वाला ब्रांच है या मैकेनिकल वाला ब्रांच है, बिकॉज वो टेक्निकल वालों के लिए है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे अदर डिटेल्स है, अदर डिटेल्स में पहला क्वेश्चन है कि आपने NCC सर्टिफिकेट लिया है क्या एयरविंग से, सी सर्टिफिकेट, आप उसको यस नो अकॉर्डिंगली करिए, अगर यस करेंगे आपको उसकी डिटेल्स भरने पड़ेंगे, नो करेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हैव यू अपीयर्ड इन SSB बिफोर, तो नो करेंगे तो आप नीचे अगला क्वेश्चन भरेंगे, यस करेंगे तो आप भाई आपने जो SSB पहले दी हैं उनकी डिटेल्स भरेंगे। तो एंटर बैच आपका जैसे NCC एंट्री था, JAG एंट्री था, SSC टेक था, जो भी आपका था उसका एक कोर्स नंबर होता है, जैसे NCC 46, NCC 45, SSC टेक 55, जो कोर्स नंबर होता है वो यहाँ भरेंगे। एंटर प्लेस ऑफ अपेयरिंग कहाँ पे हुआ था आपका, इलाहाबाद, बनारस, कहाँ पे हुआ था वो SSB, डेट क्या थी आपके SSB की, वो भरेंगे, और वो भरने के बाद जब एड SSB डिटेल पे क्लिक करेंगे वो इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी वो नीचे यहाँ आ जाएगी और ये खाली हो जाएगा, इस पर आप दोबारा भरिए, तिबारा भरिए, जितनी बार आप SSB में गए हैं, 5 बार 6 बार 8 बार, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, और ये भर के आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, कैसे मालूम पड़ा, सोशल मीडिया से, फ्रेंड से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, जो भी है ड्रॉप डाउन है आप उसमें ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा आपको कैसे मालूम पड़ा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपने गेट एग्ज़ाम दिया है क्या, नो तो नो, यस तो आप डिटेल्स भरिए, कब पास किया, कितने मार्क्स आए आपके, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब एड्रेस, तो अपना आप पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है यहाँ पे कुछ राज्यों के लिए, जम्मू और कश्मीर, आसाम और मेघालय, बाकी राज्यों के बच्चों को आधार कार्ड नंबर भरना कंपलसरी है। तो अपना एड्रेस आप भरेंगे और एड्रेस भरने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन है चेक इफ़ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो अगर आपका सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो इसको आप क्लिक करेंगे, ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन नीचे भी अपने आप आ जाएगा, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद। तो आपका एड्रेस हो गया भैया सेव। अब आ गया नेक्स्ट पेज जहां आपको अपनी फोटोग्राफ सेव करनी है, अपना सिग्नेचर सेव करना है और अपना थंब इम्प्रेशन सेव करना है, लेफ्ट हाथ का जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसका इम्प्रेशन सेव करना है। तो क्राइटेरिया है कि आपकी जो इमेज हो वो JPG फॉर्मेट में हो, JPG या JPEG, और साइज़ हो 10 से 50 KB के बीच में, सेम सिग्नेचर के लिए 10 से 50 KB और JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, और थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ है
वो भी JPG और मतलब सेम ही है तीनों का एक्चुअली, 10 से 50 KB और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट। तो आप अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, इन सबको फ़ोटो खींच के बढ़िया पेंट में क्रॉप वॉप करके साइज़ वगैरह रिसाइज़ करके तीनों फाइल आप अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद नीचे ये टिक बॉक्स है कि भैया आई डिक्लेयर की सब इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिए सब सही है एंड आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर टिक करके डेट ऑटोमेटिकली लिखिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। आप प्लेस भरेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आप हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपसे कहेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करिए और आप पहुँच गए नेक्स्ट पेज पे जहाँ आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चुनना है। तो 5 चॉइस भरनी है आपको, तो आप एक स्टेट के मल्टीपल सिटीज़ दे सकते हैं। एक सिटी का नाम बार बार नहीं भर सकते, जैसे आपने पहले उत्तर प्रदेश डाला, यहाँ इलाहाबाद डाल लिया, फिर इलाहाबाद, फिर सेकंड, थर्ड इलाहाबाद, फोर्थ इलाहाबाद, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का कानपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो भी सेंटर्स हैं आप भर सकते हैं। तो अपने 5 सेंटर भरिए। वैसे नॉर्मली पहला दूसरे सेंटर भी आपका मिल जाता है, तो आपके जो क्लोजेस्ट हैं घर से जहाँ जाना आपके लिए आसान है, पॉसिबल है, आप वो सेंटर सिलेक्ट करेंगे। सारे 5 सेंटर सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म दिख रहा है, प्रीव्यू दिख रहा है, और इसमें आपकी सारी डिटेल्स है। इसको एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपरली, थोरोली, कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे मार्क्स वगैरह भरने में किसी भी चीज़ में। और आप इसको चेक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये आपको बोल रहा है कि आफ्टर क्लिक ओके कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप श्योर है सब सही है, ओके पे क्लिक करिए और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। आप पहुंच जाएंगे वापस इसी पेज पे जहां से आप शुरू हुए थे। अब यहां पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि 2 पेमेंट गेटवे यूज़ किए हैं एफकैट ने। जो पहला पेमेंट गेटवे है वो है बिल डेस्क का, और दूसरा पेमेंट गेटवे जो है वो है HDFC बैंक का। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहे हैं। आपको 250 रुपये पे करने हैं। आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करिए और पे पे क्लिक करिए और पेमेंट ख़त्म करिए। और पेमेंट ख़त्म करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये मेक पेमेंट भी ग्रीन हो जाएगा। पेमेंट स्टेटस आप चेक कर पाएंगे क्लिक करके कि सक्सेसफुल है, कितना पे किया, कब पे किया, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है। और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखेगी, कुछ इस तरह से होगा आपका जब प्रीव्यू करेंगे। और आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। तो ये था एफकैट का फॉर्म भरने का प्रोसेस मोटा मोटा। और यू गाइस आर ऑल ग्रेजुएट्स, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी ईजली एबल टू अप्लाई फॉर एफकैट ऑनलाइन। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 और 21 फरवरी दो दिन में एग्ज़ाम होगा। सैटरडे संडे एग्ज़ाम करते हैं ये लोग वीकेंड में। 20 और 21 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका एफकैट का। और चाहे आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, और NCC एंट्री वालों को एफकैट रिटर्न एग्ज़ाम में नहीं जाना पड़ता है, आप लोग डायरेक्टली SSB के लिए कॉल किए जाते हैं। तो आप सभी को जो एफकैट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर इन एनी स्ट्रीम, आप सबको ढेर सारा गुड लक। मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से आप सब जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और तैयारी में कोई कसर मत करिए। आप में से मैक्सिमम वो हैं जिन्होंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया है, एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि एग्ज़ाम का जो लेवल है एफकैट का वो इतना आसान नहीं है कि आप इसको बिना पढ़े क्वालिफाई कर पाएँ। और ऊपर से आप जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बैठते हैं, अगर आप CDS की भी बात करें तो वहाँ जो आपका GK वाला पोर्शन है वो काफ़ी स्टैटिक GK है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन एफकैट में यू नो वेरी वेल कि जो मिलिट्री एप्टीट्यूड है आपका और करंट अफेयर है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई बहुत पुरानी बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रियली नॉट वेरी वेरी सफिशियंट आई वुड से। आप करंट अफेयर पे खासा ध्यान दें और आपका जो मिलिट्री एप्टीट्यूड है, बिकॉज अगर आपका एक इंटरेस्ट है आर्म्ड फोर्सेस में, उनके कल्चर में, उनके हथियारों, उनके लाइफस्टाइल में, तो अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो इट इज़ अ एडेड क्वालिटी जो आपको हेल्प करती है इंडियन एयरफोर्स में जो आप रहते हैं, काम करते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है हथियारों में, इक्विपमेंट्स में और वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई दे पुट सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो जहाँ तक एफकैट की तैयारी की बात है, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ। आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, आप इजीली एक कंप्लीट और थोरो प्रिपरेशन कर सकते हैं एफकैट एग्ज़ाम की। एफकैट एग्ज़ाम की अच्छी बात यह है कि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है, अरिथमेटिक का पोर्शन है, GK का पोर्शन है, जो भी आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। अगर आप सिंसियरली और सही सोर्स के साथ पढ़ाई करेंगे, आप आराम से एफकैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आपके पास सही बुक, सही स्टडी मटेरियल है कि नहीं है,
और मेजर कोचिंग क्लासेस पिछले 13 सालों से एफकैट का जो एग्ज़ाम है आपका उसकी तैयारी करा रहा है। जो एक टीचर्स हैं यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, जो समझ है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफकैट के एग्ज़ाम में, उनकी गाइडेंस में जब आप तैयारी करते हैं, इट बिकम्स रियली रियली ईजी फॉर यू टू क्रैक द एफकैट एग्ज़ाम। तो आप डेफिनेटली 3 महीने के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, आप इलाहाबाद आ सकते हैं, वेल फर्निश्ड हॉस्टल है यहाँ पे, और रहने और खाने की कोई समस्या नहीं होगी। हॉस्टल के अंदर 4 बार आपको खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को फिर से एक आपको नाश्ता मिलता है, रात में डिनर होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं कि आपको बाज़ार जाना है, सब्ज़ी लानी है, खाना पकाना है, और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता है। आप यहाँ क्लासरूम में आपके जो 3 घंटे क्लासेस चलती हैं वो आप पढ़ाई करते हैं 3 घंटे, और उसके बाद जब आप हॉस्टल में जाते हैं वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पर रहता है, आपने जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज़ करने में रहता है। और जब आप अपने ही जैसे एस्पिरेंट्स के बैठ के पढ़ते हैं तो आपका एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है पढ़ाई में, सिलेबस में, और पढ़ाई करने में मज़ा भी आता है। तो आप डेफिनेटली इलाहाबाद आइए, वेलकम ऑल। आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप किसी दूर दराज शहर या राज्य से हैं तभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है, यू गाइज आर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप लोग अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपकी पोस्टिंग कभी बैंगलोर होगी तो कभी अरुणाचल प्रदेश होगी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कौन से राज्य से हैं और इलाहाबाद आपके घर से कितना दूर है। आप बिल्कुल तुरंत आइए इलाहाबाद, ज्वाइन करिए ऑफलाइन कोर्स को, 3 महीने यहाँ रहिए, पढ़ाई करिए मन लगा के, और एफकैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऑफलाइन कोर्स से नहीं जुड़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली मेजर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और एनरोल करिए एफकैट के कोर्स के लिए, और आप घर बैठे एफकैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के करीबन 8 से 10 वीडियोस होते हैं जिसमें डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और उसके बाद जो PDFs हैं हर चैप्टर की थियरी है PDF फॉर्मेट में जिसको आप पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनेयर हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन की अलग PDF है। तो एक कंप्लीट पैकेज है एफकैट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। यू कैन डेफिनेटली मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द MKC ऑनलाइन कोर्स फॉर एफकैट एग्ज़ाम। तो मेजर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी एफकैट एस्पिरेंट्स को ढेर सारा गुड लक एंड वेलकम ऑल। Major Kalshi Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.